आज मैं थोड़ी टेंस हूँ क्योंकि काव्या की तबीयत खराब हो गई है और काव्या को हो गया है फीवर। काव्या लेटी हुई है बिस्तर में, ये देखो काव्या लेटी है बिस्तर में, लेटी हुई है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है उसको। मैंने मेडिसिन दे दी है पैरासिटामोल। और बच्चों की जब तबीयत खराब हो जाती है ना, सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो माँ को होती है, क्योंकि बच्चे एक तो बहुत ज्यादा तंग करते हैं, फीवर हो या कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो चिंता बढ़ जाती है मेरी। और मतलब हाँ बेटा, हाँ वो पापा को याद कर रही है, तबीयत खराब है, कह रही पापा कब आएंगे। पापा आएंगे बेटा, अभी हुआ है 8:45 और इसके पापा आएंगे 10 बजे के बाद। और सबसे ज्यादा टाइप प्रॉब्लम ये होती है ना, खाना नहीं खाते बच्चे, जब तबीयत खराब हो जाती है ना बच्चे खाना खाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खाना नहीं खाते क्योंकि मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। हम बड़े, हमारा ही हो जाता है ये तो, फिर छोटा बच्चा है तो। काव्या को नींद भी नहीं आ रही है और फीवर हो रहा है। मैंने इसको दवाई दी है, देखो। अच्छा, कब काव्या कह रही कि जब दवाई पिलाई थी ना तब नींद आ रही थी, तो मैंने इसको दवाई दे दी है पैरासिटामोल। बाकी इसको खांसी जुकाम कुछ भी नहीं है। खांसी जुकाम कुछ भी नहीं है, बस फीवर हो रहा है। और आज कुछ खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है, जब से इसकी तबीयत खराब हुई है ना, दिमाग खराब हो रहा है, खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। मैंने बनाया था सुबह काले चने और आलू की मिक्स सब्जी, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मिक्स सब्जी और वो चने, चने और मिक्स सब्जी बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँ, सोच रही हूँ कि ना मैं जीरा राइस बना देती हूँ और उसी से हम लोग चने और आलू वाली सब्जी से राइस खा लेंगे। काव्या दूध पिएगी थोड़ा सा, मैं इसको दूध दे देती हूँ। और इसके अलावा काव्या क्या खाओगे बेटा, राइस तो मैं नहीं खिलाऊंगी फीवर में, राइस तो नहीं खिलाऊंगी मैं, ठीक है। पराठा खा लोगे, पराठा ठीक है, ओके। बाहर की चीज कुछ भी नहीं खिलानी है इसको मेरे को, बस फीवर ठीक हो जाए मेरे बच्चे का बिल्कुल। बिस्किट ले आऊं? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बिस्किट ले आती हूँ। जो तो मैं बिस्किट लेने जा रही हूँ दुकान पर, काव्या के लिए बिस्किट लेकर आ जाती हूँ मैं, क्योंकि इसका बिस्किट खाने का मन है। बस फीवर फीवर है और खांसी जुकाम नहीं है, कुछ नहीं है, अभी भी बुखार हो रहा है। मैंने इसको दवाई दे दी है लेकिन अभी आराम नहीं आया है, देखो जल्दी आराम हो जाए तो इसको। अब मुझे जब तक टेंशन लगी जाएगी, जब तक इसका फीवर उतर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगी। आज मैंने ट्यूशन के लिए भी इसको नहीं भेजा, सिर्फ निको अकेला गया था और निको ट्यूशन जाने में इतना रो रहा था। किसी का बर्थडे था आज तो उसको टॉफी मिली, तो निको इतना रो रहा था ना क्योंकि अकेले वो जा नहीं रहा था, इसलिए वो रो रहा था कि उसको नहीं जाना है और काव्या के साथ ही जाना है। अच्छा चलो आराम करो, रेस्ट करो, सो जाओ बेटा, पापा आ जाएंगे ना फिर मैं उठा दूंगी, ठीक है। मम्मा हाथ ठंडा है। हाथ ठंडा ही होगा बेटा, रजाई उड़ा तो दी, ब्लैंकेट भी उड़ा दिया, काव्या को मैंने डबल डबल उड़ा दिया, फिर भी इसको ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। ये देखो काव्या की डॉल कहाँ पे पड़ी हुई है। काव्या थोड़ा सा दूध दे दूँ बेटा? मम्मा तीन दे दो डॉल। तीन डॉल? हाँ। अभी एक एक ये पड़ी हुई, एक एक ये। इसके ऊपर मैंने लिपस्टिक लगा दिया। हाँ ये नहीं तो इसको यहाँ, और ट्विटी ट्विटी भी। अच्छा ये लो ले लो। तो काव्या की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मुझे पता होता कि काव्या की नहलाने से उसको फीवर हो जाएगा तो मैं उसको नहलाती नहीं, स्पंज कर देती खाली मैं उसको, और फिर बॉडी क्लीन करके उसको कपड़े पहना देती, लेकिन मैंने उसको नहला दिया और हेयर वॉश भी किया था, है ना। जब पापा की छुट्टी थी, जब पापा ना भाई के बाल कटाने गए थे, तब भी आपने ठंडे पानी। हाँ हाँ संडे को नहलाया था, ठंडा पानी नहीं था, वो हॉट वाटर था, कह रही ठंडे ठंडे पानी से नहला दिया इसलिए फीवर आ गया, ठंडा नहीं था बेटा, ठंडे से तो मैं खुद ही नहीं नहाती, तो तुम्हें कैसे नहलाऊंगी। हाँ पापा नहाते हैं ठंडे पानी से, इसके पापा रियल में ठंडे पानी से नहाते हैं। अच्छा तो चलो काव्या को ठीक से जल्दी बेस्ट विशेस, काव्या का फीवर जल्दी से ठीक हो जाएगा। हाँ फीवर हो गया, मुंह नहीं बंद होगा लेकिन, है ना, बक 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 करते रहना है। दूध दे दो थोड़ा सा, दूध गरम गरम दूध, हॉट हॉट थोड़ा दे दो, इतना दे दो, इतना सा, इतना सा, इतना 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 दूध दे दो, इतना सा नहीं, थोड़ा सा दे दो बेटा दूध, थोड़ा दूध पीना है तो फीवर भी ठीक हो जाएगा, दे दो थोड़ा सा दूध। तो काव्या को मैं थोड़ा सा दूध दे रही हूँ, तो गर्म करके दे देती हूँ, है ना, चीनी डाल के, है ना। हाँ, और वो भी प्रसाद प्रसाद हाँ, डाल के।
अच्छा कल ना चीनी खत्म हो गई थी तो मैंने ना बताशे पड़े हुए थे दिवाली के, तो इसके दूध में बताशे डाल दिए थे, तो अब कह रही है वो कि वो भी डालो प्रसाद। अब वो बताशा नहीं है बेटा, वो थोड़ा सा ही था, वो चीनी नहीं थी ना हमारे पास, इसलिए मैंने बताशा डाला था। हाँ हाँ चीनी खत्म हो गई थी ना उस टाइम, और दुकान भी बंद थी आफ्टरनून में, तो मैंने इसलिए बताशा डाल दिया था। खाना है बेटा चॉकलेट, ओरियो लिया हूँ, ओरियो नहीं चॉकलेट जिसमें बीच में चॉकलेट लगी जाती है, क्रीम वाला नहीं। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कौन सा बिस्किट ले आऊंगी, और फिर बिस्किट के साथ दूध भी पी लेगी ना। ठीक है, मम्मा पहले बिस्किट खाऊंगी। और आप सोच रहे होंगे निक्कू कहाँ है, तो निक्कू है अपनी नानी के घर पे, वो सो गया था, मैं उसको नहीं उसका लेकर आई हूँ। बैग भी वहीं रह गया। हाँ बैग भी वहीं रह गया, बैग मैं ले आऊंगी, और वो सो रहा है, जब वो सोकर उठ जाएगा तब मैं उसको लेकर आ जाऊंगी, या फिर मम्मी उसको छोड़ने आ जाएंगी, है ना। ये देखो काव्या की तीन तीन डॉल सो रही है काव्या के साथ, ये देखो है ना। हाँ सो जाओ काव्या, सो के दिखाओ कैसे सोते हैं। मम्मा सुनो, मेरी दूसरी डॉल बताओ कहाँ है, कुर्सी के नीचे नहीं, कुर्सी के पूरे कपड़े के अंदर घुस गई। अच्छा ठीक है, कोई नहीं मैं निकाल दूंगी। तो ठीक है मैं बिस्किट लेकर आती हूँ, काव्या बिस्किट खाए। मैं ले आई अपने बच्चे के लिए बिस्किट, यही वाला चाहिए था, यम्मी यम्मी, लो खा लो, ओपन कर लोगी। कर लेगा ना बेटा ओपन। अब मुझे बनाने राइस, तो मैं बनाऊंगी जीरा राइस, और एक बिस्किट मैं निक्कू के लिए भी लाई हूँ, ओपन कर दो, ला दो, जल्दी ठीक हो जाएगा फीवर, है ना। लेकिन दूध भी पीना पड़ेगा, ठीक है इसको खा लो फिर दूध देती हूँ। ओके चलो सबको बाय कर दो, बाय गाइस, जब काव्या ठीक हो जाएगी तब बात करेगी, है ना काव्या, गेट वेल सून काव्या।